सूरज ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। आसमान से झुलसा देने वाली आग बरस रही है। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में धीरे धीरे गर्मी का टॉर्चर देखने को मिलने लगा है। बढ़ती गर्मी ने अपने रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए हैं। 14 साल बाद दिल्ली में 17 मई यानी कि शुक्रवार को इतनी भीषण गर्मी पड़ी है। यही नहीं, उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में शुक्रवार को तापमान 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि अभी और 5 दिन भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाके और पूर्वी व मध्य भारत में अगले 5 दिन भीषण लू का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के नजफगढ़ में तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस मौसम में अब तक देश में सबसे अधिक है। वहीं हरियाणा के सिरसा में 47.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो वहीं हरियाणा के सिरसा में तापमान 47.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा दिल्ली में 8 जगहों पर पारा 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहा। इससे पहले 30 अप्रैल को गांगेय पश्चिम बंगाल क्षेत्र के कलाई कुंडा में अधिकतम तापमान 47.2 डिग्री दर्ज किया गया था। आईएमडी ने दिल्ली के लिए अपने पूर्वानुमान में कहा है कि शनिवार को दिन के समय 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज सतही हवा चल सकती है और मुख्य रूप से आसमान साफ रह सकता है। आईएमडी ने हरियाणा, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि 18 से 21 मई के दौरान राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में भीषण हीट वेव जारी रहने की आशंका है। इसके अलावा मौसम विभाग ने बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा है। विभाग ने चेतावनी दी है कि लंबे समय तक धूप में रहने या खुले में भारी काम करने से लोगों के बीमार पड़ने की आशंका है। ऐसे में अपना और अपने परिवार का खास ध्यान रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज़।